बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद एनएस की तरफ से मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली को खुश आमदीद। अल्लाह ताला से यही दुआ है आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कराते रहें। आज मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे अरबी और बैंगन का सालन। बहुत मज़े का बनता है। तो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने ले ली हैं। प्याज ले लिया मैंने लार्ज साइज़ का, एक पाव मैंने ले लिए हैं ये बैंगन, और एक पाव मैंने अरबी ले लिए जिसको मैंने ऐसे थोड़ा मोटी साइज़ का काट के इसको अच्छे से नमक लगा के मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए। फिर मैंने इसको धो लिया। टमाटर दो ले लिए हैं, लहसुन अदरक ले लिया है, सब्ज़ी मिर्चें ले लिए, ये दोनों पेस्ट हैं हाँ एक एक टीस्पून के साथ। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अरबी को फ्राई करना है हमने, चलें इसे पहले फ्राई करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़े का सालन बनता है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट के जरिए अपने राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। ये एक कप मैंने घी लिया है, मैं घी इस्तेमाल करती हूँ, अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अरबी को फ्राई करेंगे। चलें ये देखिए अरबी हमारी फ्राई हो रही है, तो साथ ही हम जो है वो बैंगन उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं और ये इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा गोल्डन इसको ब्राउन करना है हमने। चलिए फ्राई हो रही है, आग मैंने जो है मीडियम रखी, बहुत तेज़ भी नहीं है हल्की भी नहीं। चलिए जल्दी से हम बना लेते हैं बैंगन। अरबी हमारी फ्राई हो रही है, अगर छिलका आप लोग उतारना चाहें तो उतार लें, मैं छिलके के साथ ही बना रही हूँ। साइज़ जो है आप कर सकते हैं बड़ा छोटा जैसे आप लोगों को पसंद है। साथ के साथ इसको पानी में डालेंगे ताकि इसके वो जो बीज होते हैं वो पॉलिश हो जाते हैं ना। तो मैं साथ ही डाल रही हूँ पानी में। बैंगन जो है वो जल्दी गल जाता है। चलिए सब्जी बना लेते हैं साथ ही, और भी हमारी फ्राई हो रही है, साथ साथ जल्दी से काम हो जाते हैं। गर्मी का मौसम है तो आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये एक वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चलो जल्दी जल्दी से मैंने ये बैंगन बना लिए हैं। इसमें सब्जी की मिकदार कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, बैंगन ज़्यादा कर लें, अरबी कम कर लें, जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे कर लें। चलिए इसे पानी में छोड़ते हैं। चलें ये देखिए जी अरबी हमारी फ्राई हो चुकी है, देखें हल्का हल्का इसके ऊपर कलर जो है वो आ गया, बहुत ज़्यादा अभी हमने इसके ऊपर कुक करना, हाफ इधर करेंगे और हाफ फिर बैंगन के साथ होगी। चलें मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। तो चलें अरबी हमारी हो चुकी है, चलिए इसे अब मैं निकाल लेती हूँ ऐसे घी इसका निचोड़ के। मैंने एक कप बस घी रखा था, बहुत ज़्यादा मैंने इसको फ्राई नहीं की। चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, इसी घी में हम जो है बाकी सालन तैयार करेंगे। कि हमारा गरम है तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ प्याज। अब प्याज को हल्का सा नरम करना है हमने, फिर इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे, सब्जी मिर्चें डाल देंगे। चलिए जी प्याज हमारी थोड़ी नरम हो चुकी है, ये देखें बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं ब्राउन किया। अब इसमें ये लहसुन अदरक और सब्जी मिर्चें मैं डाल देती हूँ। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे, टमाटरों का काफी पानी होता है इसी में जो है मसाले भी हो जाएंगे साथ ही। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ लाल मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। काफी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून इसमें मैं साथ डाल दूंगी सीरा, अच्छे से इसका भी जो है टेस्ट इसका आ जाएगा, मसाले में खुल जाएगा अच्छे से। बहुत ज्यादा जो मसाले हैं गर्मी के मौसम की जो सब्जियां होती हैं इन्हें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए। चलें जी मसाला हमारा हो चुका है, ये देखिए जी इसने छोड़ दिया, कितना सा मैंने हल्का हल्का पानी लगाया इसको,
और अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिए। अब ये बैंगन मैंने पानी में छोड़ दिया, इसका निकाल दिया। अब पहले मैं ये इसमें डाल दूंगी, इनको जरा भूनेंगे इसमें, फिर हम इसमें अरबी डाल देंगे साथ में। चलिए ये देखिए जी, मैंने बैंगन को थोड़ा सा इसमें भूनना है 2-3 मिनट। ये देखिए थोड़ा सा घी इसने अब छोड़ दिया। अब जो हम अरबी फ्राई की हुई है उसको डाल देते हैं इसमें, और बिना पानी के हम हल्की आंच करके इसका जो ढक्कन है वो ऊपर लगा देंगे। आंच इसकी जो है वो बिल्कुल हम स्लो कर देंगे, तो ये बैंगन पानी छोड़ेंगे तो उसी पानी में बैंगन भी हो जाएंगे और अरबी हमारी आधी हो चुकी है, ये भी साथ हो जाएंगे। इसे अब कवर कर देती हूँ मैं 10 मिनट के लिए। चलिए माशाल्लाह 10 मिनट बाद ये देखिए सारा ने घी छोड़ दिया, अपने ही जो है वो पानी में बैंगन जो है वो गल चुकी है और अरबी भी माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। चलिए अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये मेथी है, मेरे पास मेथी और धनिया का रस पाया हुआ, ये मैं 1 टीस्पून डाल देती हूँ इसमें, इससे खुशबू जो है वो अच्छी जाएगी। और खुश्क धनिया ये भी मैं ताज़ा कूटा ये डाल देती हूँ, इसको मिक्स करके बस 1-2 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। कुछ बैंगन जो है मैंने पहले खोला था तो मैंने तोड़ दिए, तो कुछ मैंने जो है वो साबुत रखे हैं। चलो ये देखिए सालन हमारा हो चुका है, घी छोड़ दिया साइड पे, बहुत अच्छा बन चुका है। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। चलिए अब इसमें निकालती हूँ, इसमें देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से गल चुके हैं हमारे बैंगन भी, बिना पानी के हमने बनाया है इसको। आलू बैंगन की भी पहले वीडियो में डाल चुकी हैं और अकेले जो है वो अरबी मसाला उसकी भी डाल चुकी हूँ, अलहदा अलहदा अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो वो अलहदा अलहदा मेरे चैनल पे जो है वो मौजूद है। चलिए ऊपर से गार्निशिंग कर देते हैं इसकी सब्ज़ धनिए से, ये देखते बहुत ही कम मसालों के साथ हमने जो है वो तैयार कर लिया अरबी, और बैंगन का सालन बहुत मज़े का जो लगता है। चलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे आप थोड़ा मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ। चलिए इसे अब मैं थोड़ा टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं बैंगन भी और अरबी भी साथ। अगर आप लोग चाहें तो बैंगन जो है इसको तोड़ भी सकते हैं, इनका मसाला भी इसके साथ है वो भी अच्छा लगता है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी सा हमारा सालन जो है बहुत कम मसालों के साथ तैयार किया मैंने। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये हमारी सपोर्ट होती है, हमारी हिम्मत होती है आप दोनों लोगों की तरफ से। हमें ये एक इनाम होता है कि हम लोग आप लोगों के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं और आप उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार जो है वह ज़रूर किया करें। चलो इसी दुआ के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमारी दुनिया और आखिरत की मंजिलों को, मुश्किलों को आसान करे। आमीन।